हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर आकाश शर्मा एंड वेलकम इन लवगंज कॉन्वेंट स्कूल। स्टूडेंट्स, दिस इज योर ईवीएस पीरियड एंड क्लास थर्ड क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सिक्स चैप्टर तक का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था, जो कि आपको लास्ट वीडियो तक मैम ने करवाया था। देन अब आगे से मैं आपको ईवीएस कंटिन्यू करवाऊंगा, ठीक है? तो अभी हम चैप्टर 7 को करने वाले हैं। इसके अगर आपको पीडीएफ चैप्टर 6 का जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला था वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं, बाकी ऑल स्टूडेंट्स को सेंड कर ही दिया था, लेकिन जिन जिन स्टूडेंट को 6 चैप्टर का पीडीएफ नहीं मिला वो ले सकते हैं वो पूछ करके। अभी हम चैप्टर 7 करने वाले हैं। सो प्लीज ओपन योर ईवीएस बुक एंड ओपन द पेज नंबर ऑफ 44। द नेम ऑफ चैप्टर 7 इज क्रीपी क्राइसिस। Some animals move some runs on the ground and some other travel on the ground. Crawling animals are called creepy crawlers. Creepy crawlers किनको बोलते हैं? जो animal crawl करते हैं, crawl करते हैं means वो जो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, वो घसीटते हुए जमीन पे खिसकते हुए चलते हैं, उनको crawling animals बोला जाता है, ठीक है? तो कितने टाइप के क्रैबल एनिमल्स होते हैं, क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है स्नैक। स्नैक आप सभी जानते हैं, स्नैक एक जो सांप जिसको हिंदी में बोला जाता है, सांप को क्या खाते हैं? सांप एनर्जी गेट करने के लिए अपने से छोटे जीवों को खाते हैं, या तो अपने से छोटे सांपों को ही वो खा लेते हैं, ऐसा सांप रहता है। और सांप की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उसके ईयर्स नहीं होते हैं, यानी कि उसके कान नहीं होते हैं, वो बिना कानों के अपनी आईज से ही सुनता है, आईज से ही देख करके उस चीज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? देन आप देखते हैं कि सांप जो होता है, जो स्नैक्स होते हैं वो मंथ या वीक तक, एक कई मंथ या कई वीक तक भी अगर खाना ना खाए तो भी वो एनर्जी गेट कर पाते हैं। फिर आता है लिजार्ड्स। लिजार्ड्स आप देखते हैं यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं। लिजार्ड्स एनिमल जो होते हैं ये भी क्रैबलस एनिमल्स में ही आते हैं, क्योंकि ये भी घिसकते हुए चलते हैं, ठीक है? तो ये भी आप देखते हैं, ये भी अपने से छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, और साथ में दीवारों पर ज्यादातर आपको क्रैबल्स को देखने को मिल जाएगा। अब अगला आता है आपका क्रोकोडाइल्स। तो ये जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, यानी कि मगरमच्छ टाइप के जो, तो ये मोस्टली आपके कहाँ रहते हैं? मोस्टली आपके जो भी मॉइस्चराइजर प्लेसेस होते हैं वहाँ पे रहते हैं, ऑन लैंड एंड ऑन वाटर, ये दोनों जगह की प्लेसेस पे सरवाइव कर पाते हैं। अगला आता है आपका टोर्टोइस। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एनिमल होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात 120 से 150 ईयर्स तक सरवाइव कर पाता है, यानी कि इसकी एज आप देखेंगे 120 से 150 ईयर्स तक की एज होती है, काफ़ी लॉन्ग इसकी एज होती है, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जीता है। इसी वजह से काफ़ी अच्छा भी होता है, और इसको काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए भी मैंने बोला क्योंकि इसका जो शरीर है इस टाइप से बना होता है, क्योंकि एक छोटे सी इसकी सिर होती है, दो इसके चार पैर होते हैं, और पीछे एक छोटी सी पैर होती है, और बीच में इसका जो बड़ा सा पेट जो दिखता है वो शेल का बना होता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। कभी कभी जब ये मुसीबत में अपने आप को देखता है तो अपने सारे अंगों को सिकोड़ करके उसी शेल के अंदर कर लेता है, अपने टैर, अपने लेग, अपने हेड को, जिस वजह से वो उसको ऊपर से अगर ट्रक भी निकल जाए तो भी वो शेल टूटती नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग वो होती है, इस वजह से काफ़ी अपने आप को बचा लेते हैं। अगला आता है स्नेल। ये स्नेल जो होता है ये सकिंग करता है ब्लड की, काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि ये ब्लड की सकिंग करता है, तो अगर ये किसी को लग जाए तो पूरा ब्लड भी एक बार में खींच सकता है, ठीक है? इसी टाइप से ये काफ़ी डेंजरस एनिमल्स होते हैं इनको हम जिनको देखते हैं। इसी के साथ में एक जो लीच इज अ ब्लड सकिंग वॉर्म्स, इट लिव्स इन वाटर वाटर वेल एज ऑन लैंड, वाटर और एज ऑन लैंड दोनों टाइप के प्लेसेस पे सर्वाइव कर पाता है, काफ़ी अच्छा एनिमल होता है, लेकिन ये ब्लड सकिंग एनिमल है।
तो अगर ये एनिमल किसी एनिमल के ऊपर अगर ये लग जाता है तो उसका पूरा ब्लड खींच लेता है, अगर ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी लग जाता है तो उनका भी ब्लड खींच लेता है। इस टाइप के काफी ये डेंजरस एनिमल्स होते हैं जिनसे सभी लोग डरते भी हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग भी काफी होते हैं, इनकी लाइफ जो होती है बहुत बहुत अलग होती है और एनिमल्स से। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो क्रीपी टाइप के एनिमल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जाना समझा। आई होप आपको ये चैप्टर में जितने भी एनिमल्स के बारे में बताया काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, अट्रैक्टिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।